subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. With both the Centre and the Supreme Court deciding not to postpone the JEE mains, students across the country have been taking the JEE, also known as the Joint Entrance Examinations, from the 1st to the 6th of September. Today, we follow one such aspirant and see how he prepares what might be one of the most important examinations of his life against the backdrop of the COVID-19 pandemic, where India is reporting nearly 80,000 new cases a day. This is the story of Vineet Shukla, a JEE aspirant who's been preparing for the exam for the past 4 years. A resident of Jhandapur in Ghaziabad, Vineet graduated from school in 2019 but dropped the year just to focus on his preparation for the joint entrance exam. His room is adorned with medals and photos of quotes by Steve Jobs and the Joker from Batman. On the side is a small mug full of water which he says he keeps to sprinkle water on his face at night when he feels sleepy. He studies, on an average, nearly 12 hours a day with a dream of doing computer science and engineering from his dream college, IIT Bombay. However, COVID-19 altered plans and added much stress to his preparations. The exams that were scheduled to take place in April now took place from 1st to the 6th of September. On Saturday, 5th September, Vineet wrote the JEE mains, what he regarded as one of the most important exams of his life. मैं अपने क्लास 10 से तैयारी कर रहा हूँ अपनी 10th क्लास से हाँ 2017 मैंने स्टार्ट किया था अराउंड दिस इज माय थर्ड ईयर और आप कोचिंग के लिए जाते हैं मैम हाँ पहले स्टार्टिंग पे कोचिंग करी फिर वहाँ पे कुछ सीन हो गया था कोचिंग का फिर मैंने कोचिंग ड्रॉप कर दी क्या हुआ था कुछ सीन हो गया था कुछ उनका प्रॉब्लम हो गई थी तो फिर मैंने कोचिंग ड्रॉप कर दी फिर उसके बाद मैंने 11th 12th कोई कोचिंग नहीं ली 11th 12th कोई कोचिंग है तो आप पिछले 2 साल से खुद से ही पढ़ाई कर रहे हैं मैम मुश्किल तो मतलब काफ़ी था पर ये था कि थोड़ा सा एक था कि हाँ होप था कि एग्ज़ाम होगा तो दे सकते हैं इतना पर जब लॉकडाउन लगा था तो अचानक से ऐसा हो गया कि अब थोड़ा सा ना बिल्कुल रिलैक्स हो गए थे हम कि अब एग्ज़ाम मेरे ख्याल से इस ईयर नहीं हो सकता क्योंकि वैक्सीन है अराउंड 6 or 7 मंथ लगेगा पर जैसे ही मतलब पास डेट पास आया फिर उन्होंने जो पहला हियरिंग करी जो मतलब जो पहले अपने पोखरियाल साहब ने कहा फिर उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया फिर अगेन उन्होंने पोस्टपोन किया दो बार पोस्टपोन हो गया थर्ड टाइम जब हमने डिमांड करी तो उन्होंने पोस्टपोन नहीं किया तो ये कुछ ऐसा था इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया कि बार बार पोस्टिंग की वजह से पोस्टपोन की वजह से ये सब होने लगा तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है ये जो डिसीजन है मतलब ये जेईई एग्जाम्स इस दौरान कंटिन्यू करना आप क्या प्रेफर करते हैं एक्चुअली देखिए मैं चाहता था कि एग्जाम थोड़ा सा डिले हो सकता था ये हाँ क्योंकि अभी तो कोई लगभग कौन से महीने में लगभग अक्टूबर के एंड में हो जाता और इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए पहले आप देख सकते हैं मैं जैसे मैं भी ट्रैवल करके आया हूँ तो मैंने भी अपनी गाड़ी बुक करी थी कोई मतलब कोई भी इसमें कोई भी ढंग सा ट्रांसपोर्टिंग का सिस्टम नहीं ढंग से कुछ भी प्लानिंग नहीं थी गवर्नमेंट की उन्होंने डायरेक्ट एग्जाम थोप दिया ऐसा लगा कि तुम एग्जाम देना ही देना है कुछ भी कर लो आप लगभग जो भी होगा बस तैयार हैं हम जैसा भी एग्जाम जाए कैसा भी जाए क्योंकि एग्जाम तो देना ही देना है मतलब उतने वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे अपन कि हमें लगा था कि कोर्ट हमारी हियरिंग हमारे फेवर में करेगी क्योंकि और उन्होंने हियरिंग कहाँ करी कुछ वर्डिट हमारे मतलब हमारा कोई पॉइंट्स रखने नहीं दिया उन्होंने 4 मिनट में हमारा केस खारिज कर दिया गया तो ये सब रीज़न था जिसकी वजह से थोड़ा लगता है कि कुछ अनफेयर हुआ था जब मैं कोचिंग थी उस समय मैं 6 से 7 घंटे कोचिंग के साथ तो आपने कोचिंग 1 साल की थी हाँ मैम बस ये मैंने जुलाई में स्टार्ट की थी 27 जुलाई को 27 अभी स्टार्ट हाँ इस ईयर नहीं मतलब पिछले वाले ईयर में लास्ट ईयर 2019 हाँ तो उसमें मैंने स्टार्ट करी 27 जुलाई को और मैंने कंटिन्यूस 6 घंटे 7 घंटे तो अभी आप कब तक कोचिंग कर रहे थे अराउंड मार्च के हाँ 20 मार्च से मैंने कोचिंग करी है 29 जुलाई तक 20 मार्च तक यस मैम तो आप उस 6 to 7 आवर्स करते थे हाँ डेली था मेरा कोचिंग के अलावा हाँ कोचिंग के अलावा हाँ और कोचिंग कितने घंटे का था अराउंड 5 आवर का 5 आवर्स हाँ तो 11 घंटे आप करते थे डेली मिनिमम बताइए मिनिमम 11 घंटे और सबसे ज्यादा कहाँ तक गया आपने मैं सबसे ज्यादा मैं कर रखा 15 आवर्स तक भी कर रखा 15 आवर्स और हमने 15 आवर रिसेंटली जो थे ना 17 के बाद जो वर्डिट आया उनके बाद मैंने 15 आवर भी किया है मतलब 16 आवर भी किया है मेरा था कि सुबह मैं पढ़ता था मैं पूरा शेड्यूल शेयर कर सकता हूँ आपके साथ जैसा मेरा सुबह स्टार्ट होता था करीबन 7 o'clock से 7 o'clock से 9 o'clock तक मेरा होता था आराम से इनऑर्गेनिक वगैरह इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक 7 to 9 ब्रेक हाँ उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक 9:30 से और 1 बजे तक 1 बजे तक अपना जो भी पढ़ना है फिजिक्स पढ़ो केमिस्ट्री पढ़ो मैथ्स पढ़ो कुछ भी पढ़ो उसके बाद 2 आवर का ब्रेक 3 o'clock से फिर 6 o'clock तक पढ़ाता था टेस्ट में फिर 1 आवर का इवनिंग ब्रेक होता था
7 से फिर 8:30 तक, फिर डिनर किया, फिर 9:30 से लेकर अराउंड 1 o'clock इतना था। विनीत स्टेज इन अ स्मॉल एरिया ऑफ गाजियाबाद। His father, Arun Shukla, who is a factory worker, arranged a car for him so that Vineet could go comfortably and write his exam. The exam center was in Rohini and it took him nearly 2 hours to reach. His father paid close to 2,000 rupees for the car. Corona काल में जो exam देने जा रहा, इस वतापति है ही हम लोग को, इसलिए जो इतना खर्चा देकर हम लोग नहीं ले जा सकते हैं दिल्ली। बाकी अगर ले देकर पैसा कहीं से एग्जाम करके लेकर तो जाइए रहे, इमरजेंसी है तो यही तो आपत्ति है बस। कोई गाड़ी घोड़ा सब बंद है, इसलिए तो खर्च तो ज़्यादा लग रही है ना। एक गाड़ी अगर करके जा रहा है तो 2,000 रुपये से कम नहीं मांग रहा है कोई गाड़ी वाले, तो गाड़ी लेकर जाना है तो 2,000 रुपये तो लड़के को देना ही पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग इतने बड़े लोग तो हैं नहीं, 2,000 रुपये कमाने के लिए 4 दिन लगता है हम लोग को, इसलिए इसका खिलाफ हम थे। बाकी अब नहीं है, अब लड़का को तो परीक्षा दिलवाना ही है। आपको लग रहा है कि अभी होना चाहिए, थोड़ा देर से हो सकता है? नहीं नहीं, लड़के को भविष्य के लिए तो अभी होना चाहिए, अभी होना चाहिए। भाई बिल्कुल, इसके लिए तो मैं कहूँगा क्योंकि आपको लगता है फिर वो साल मिस हो जाएगी। हाँ, साल मिस हो जाएगी, फिर बेकार होगा, लड़के का भविष्य खराब हो जाएगा, इसलिए लड़के के भविष्य के लिए तो अभी होना चाहिए। Vineet wants to study so that he can improve the condition of the area where he stays and provide a better life for his family. एक्चुअली जो मैं मेरा एरिया है ना, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर ऐसा कुछ जिनकी थिंकिंग कोई बड़ी थिंकिंग नहीं है, जो सोचते हैं कि हम छोटे से घर में अब आए हैं, एक छोटा सा घर बना लें, वहाँ रह जाए और निकल जाए इससे। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ डेवलपमेंट करने के लिए, कुछ अपना वहाँ के एरिया के स्पेशली, और ताकि वहाँ से मुझे को देख के मोटिवेट हो, ऐसा डिसीजन मैंने इसलिए लिया। Both anxious and nervous, on his way to write the exam, Vineet had to pull over on the way as he vomited. This year, along with the lockdown and COVID-19, has not been easy for students. And in Vineet's case, his coaching center in Lakshmi Nagar was shut down shortly after the Delhi riots. हाँ मैम, हमारी कोचिंग पूरी बंद हो गई थी, पूरी बंद हो गई थी। वहाँ पे अलाउ नहीं था किसी को जाना, किसी को कुछ अलाउ नहीं था कि आप वहाँ पे जाइए, अपना कुछ कीजिए। अब कोचिंग में कितना इम्पैक्ट हुआ था उसका? वैसे भी हमारी कोचिंग बहुत बड़ी कोचिंग नहीं, छोटी कोचिंग थी, तो इसकी जिसके वजह से आपकी कोचिंग लक्ष्मी नगर में, लक्ष्मी नगर में ठीक है, तो बंद, दो कोचिंग सेंटर बंद हो गया था, तो फिर आप खुद से ही पढ़ाई करते थे? हां, उसके खुद से करना पड़ा। तो मतलब फरवरी ऑलमोस्ट ये फेब एंड में था, तो फेब एंड से लेके फेब एंड से स्टार्ट किया था, फिर सर ने एक दो दिन बुलाया कि तुम आप टेस्ट दे दो, टेस्ट वगैरह, तो हमने जैसे टेस्ट देने गए थे, उसके बाद ये 23 मार्च को लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद से हमने टेस्ट भी वहाँ पर नहीं दे पाए। कोरोना की वजह से हम लोग को इम्पैक्ट हुआ स्टूडेंट लाइफ पे, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, ये सब चीज़ था। बस वर्ल्ड वाइड नहीं मैम, इंडिया को देख के स्ट्रेस पड़ जाता है। 89,000 अराउंड इंडिया में डेथ हो चुके हैं, तो मैम ये था कि हड्डा लग रहा था कि क्योंकि हमारी जो फैमिली है उसकी वैल्यू तो है नहीं, आपने शायद सबको देखा होगा आपने, और किसी भी मैंने देखा था रिपोर्ट में कि 10 लाख 15 लाख मतलब मिनिमम पैसे लग जाते हैं कोरोना के इलाज में, उतना अपने पास एफर्ट नहीं था कि कहाँ से करते कहाँ से नहीं करते, इस चीज़ का डर था। Vineet started his journey at around 10:30 a.m. and reached the exam center at 12:30 p.m. and entered only at 1 p.m. His exam got over at 6 p.m. and for those 5 hours, his father waited patiently and eagerly for his son to come out and hear how his exam went. 42 questions attempt किए और ज़्यादा chances की हो जाएगा basically. हो जाएगा. Sure. 100%. 100%. और अब advance की तैयारी है. Despite being riddled with tension, not being able to sleep the night before, and puking on his way to the examination center, Vineet said that the exam went well and he was confident that he would qualify for the advanced JEE exam. With more competitive exams such as the NEET and the advanced JEE exams yet to take place, one has to wait and see what the preparations will be like. With Manisha Mondal, this is Revati Krishnan reporting for The Cringe.